हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट। सो ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट पायरुविक एसिड, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक लिंक रिएक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच का एक लिंक रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये पाइरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब साइकिल में इंटर नहीं कर सकता, तो इसीलिए पाइरुविक एसिड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? और ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। क्लियर? तो ये प्रोसेस कहां पे होता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है ये प्रोसेस, यूकैरियोटिक सेल्स में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में यही प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। क्लियर? बिकॉज देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस। और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब एक बार पाइरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर से एसिटिल कोएंजाइम ए से पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। सो इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल, एंड इट इज अ हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस। और पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, तो पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में। तो साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज होने के लिए एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, और उस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के हेल्प से पाइरुविक एसिड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज इन हो जाता है। क्लियर? ओके, अब हम लोग देख लेते हैं दिस प्रोसेस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, पाइरुविक एसिड, और ये पाइरुविक एसिड एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। और पाइरुविक एसिड का क्या होता है, यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। और जब पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसी समय NAD+ का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। क्लियर?
तो इस तरह से एनएडी प्लस का रिडक्शन हो रहा है और पायरविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरविक एसिड एंड रिडक्शन ऑफ एनएडी प्लस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होता है, यहां पे पायरविक एसिड से वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब यहां पे कार्बन का लॉस हो रहा है, कार्बन का रिमूवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ये कौन सा प्रोसेस है? डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, क्लियर। तो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के रिजल्टेंट कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पायरविक एसिड से रिमूव हो जाएगा और पायरविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल ग्रुप में, एसिटिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए चाहिए मैग्नीशियम आयन, क्लियर, मैग्नीशियम आयन। और इस प्रोसेस में हेल्प करता है एंजाइम दैट इज पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक थ्री एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है जो इस प्रोसेस को असिस्ट करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इसमें तीन एंजाइम्स आते हैं, थ्री मेन एंजाइम्स आते हैं, तो नेम ऑफ द एंजाइम देख लेते हैं। तो इसमें पहला एंजाइम खुद ही है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा एंजाइम है डाइहाइड्रो लिपोयल ट्रांस एसिटिलेज। और तीसरा एंजाइम है इसमें डाइहाइड्रो लिपोयल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तीन एंजाइम मिल करके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये तीनों एंजाइम असिस्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम ए, क्लियर। अब क्या होगा, एसिटिल ग्रुप से ऐड हो जाएगा कोएंजाइम ए और एसिटिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, क्लियर। तो इस तरह से पायरुविक एसिड का फाइनली कन्वर्जन हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और हम लोग जानते हैं कि एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनता है और दोनों पायरुविक एसिड कन्वर्ट होंगे किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो इस तरह से हमको कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का गेन होगा, यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का गेन होगा। और ये एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, क्लियर, ओके। तो यहां पे हमको देखना क्या है कि इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है और ये NADH2 आगे चल करके फाइनल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में इसका इनकैश होगा, दैट मीन इससे ATP का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इनको असिस्ट करने के लिए कुछ को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं को एंजाइम्स, इसमें कौन कौन से को एंजाइम्स हैं। पहला है TPP,
तो टीपीपी मतलब क्या है? थायमीन, पायरो फॉस्फेट। थायमीन पायरो फॉस्फेट है, पहला है कोएंजाइम। दूसरा है एनएडी प्लस और है एफएडी। इसके बाद आता है कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम आयन और लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड तो यहां पे देख रहे हैं थायमिन, पायरोफॉस्फेट, एनएडी प्लस, एफएडी, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड। दीज आर द कोएंजाइम्स ऑफ एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कोएंजाइम्स इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्लियर। और देख लेते हैं कि इस प्रोसेस के इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। इनहिबिटर्स ऑफ दिस प्रोसेस, तो अगर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आर्सेनाइट आयन प्रेजेंट है या फिर मर्क्यूरिक आयन प्रेजेंट है, तो ये इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज द इनहिबिटर ऑफ दिस प्रोसेस, आर्सेनाइट आयन एंड मर्क्यूरिक आयन, क्लियर। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड, क्लियर। ओके, वंस अगेन आई रिकैप। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वी गॉट टू पाइरुविक एसिड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दिस पाइरुविक एसिड डायरेक्टली कैन नॉट इंटर इन द क्रेब्स साइकिल। सो फर्स्ट पाइरुविक एसिड कन्वर्टेड इंटू एसिटिल कोएंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड आर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ये है क्या, एक लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन है। दिस इज अ लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच का एक लिंक रिएक्शन है। इसमें टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए में और रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस होगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। यहां पे हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से 2NADH2 का गेन होता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस क्रेब्स साइकिल। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर, कमेंट करिए।